ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स एक ऐसा पैराडॉक्स जिसे खोजे हुए 40 सालों का लंबा समय हो चुका है, पर आज भी ये पैराडॉक्स अनसुलझा का अनसुलझा ही है। वैज्ञानिकों के सालों की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद भी वे इसे सुलझा पाने में असफल हैं। इन्फॉर्मेशन कुछ और नहीं बल्कि एक फंडामेंटल पार्टिकल का पूरा रूप, रंग और रेखा होती है जो कि उसमें पहले से ही समाहित होता है। इन्फॉर्मेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन और दूसरा होता है क्वांटम एंटेंगलमेंट इन्फॉर्मेशन। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के रूप में किसी पार्टिकल की लंबाई, तापमान, मास, ग्रेविटी, चार्ज, अट्रैक्शन, दूसरे पार्टिकल से रिएक्टिविटी और बहुत कुछ आता है। एंटेंगलमेंट इन्फॉर्मेशन के रूप में एंट्रोपी का कांसेप्ट आता है, जलने पर भी नष्ट नहीं होती जानकारी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप एक माचिस की तिल्ली को जला देते हो तो वो राख का रूप ले लेता है, पर माचिस की तिल्ली का इन्फॉर्मेशन नष्ट नहीं होगा बल्कि कंसर्व ही रहेगा। अगर आप उस राख को फिर से सही क्रम में ले आओ तो वो फिर से माचिस की तिल्ली बन जाएगी। ये थियोरेटिकली तो संभव है पर प्रैक्टिकली असंभव है। पर समझने वाली बात ये है कि इन्फॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होता। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में जाने के बाद कोई भी वस्तु वहां से बाहर नहीं निकल सकती, यहां तक कि प्रकाश भी इस खिंचाव से नहीं बच सकता। तो अगर आप एक किताब को ब्लैक होल में फेंकोगे तो वो ब्लैक होल के अंदर ही रहेगा, हालांकि उस किताब के चित्रे चित्रे हो जाएंगे पर उस किताब में मौजूद इन्फॉर्मेशन सेफ रहेगा। ठीक उस प्रकार जैसे कि माचिस की तिल्ली के राख बनने पर भी उस राख को सही क्रम में लगाने पर माचिस की तिल्ली हमें फिर से मिल जाती। ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स स्टीफन हॉकिंग द्वारा प्रस्तुत किए गए इस पैराडॉक्स को 47 सालों का लंबा समय हो चुका है, पर इसका कोई हल किसी के पास नहीं है। आशा ये है कि आने वाले समय में हम अपनी बढ़ते तकनीक की मदद से ब्लैक होल का दौरा कर पाएंगे और इस पहेली या कहें पैराडॉक्स को सुलझा पाने में कामयाब होंगे। हालांकि इसमें कितना समय लगेगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।